नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोन सुथार। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपनी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम के रहने वाली है, क्योंकि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा डाटा होता है जिसका एनालिसिस करने के लिए हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप की TDL को यूज करना पड़ता है। जैसा कि हमारा कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर्स भेजना हो, या हमें प्रॉपर जो हमारा डाटा का एनालिसिस है वो हमें मेन डैशबोर्ड पर देखना हो, तो यानी कि हर एक फीचर्स के लिए हमें TDL को यूज करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में डिटेल को बताने वाले हैं जिसका नाम है क्रेड फ्लो एप्लीकेशन। तो दोस्तों, अगर आप क्रेड फ्लो एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ में, तो इससे क्या होता है, जो भी हमारी कंपनी का जो डाटा होता है वो हमारे इस डेस्कटॉप की एप्लीकेशन पे या फिर मोबाइल की एप्लीकेशन पे सिंक्रोनाइज हो जाता है। इससे होता क्या है, जो भी हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग वगैरह होती है, पेमेंट रिमाइंडर कस्टमर को भेजना है, कस्टमर के साथ नेक्स्ट कॉलिंग हमें कब करनी है, तो ये नहीं, ये टोटल डिटेल्स हमें ऑनलाइन पेमेंट के लिए किस तरीके से हमें उनको लिंक सेंड करना है, प्रॉपर इनवॉइस हम किस तरीके से उसका हम क्रेडिट फ्लो के थ्रू देख सकते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट हम इसी एप्लीकेशन के थ्रू दे सकते हैं, तो ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, तभी आप प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि ये जो डाटा है वो हमने इसी कंपनी के डाटा को सिंक्रोनाइज क्रेडिट फ्लो के एप्लीकेशन में किया हुआ है। तो हम दोनों को आपको बराबर में टैली सॉफ्टवेयर में डाटा किस तरीके से दिखता है और उसी डाटा को एनालिसिस करके ये क्रेडिट फ्लो एप्लीकेशन आपको किस तरीके से दिखाता है। अगर आप इसको एक बार यूज करना चाहते हो तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप क्रेडिट फ्लो की इस वेबसाइट पे आ जाओगे, और वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना होगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जैसा कि एक बार मैं लॉग आउट करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन है जो दिखाई देगी। अब उसके बाद के अंदर आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। अब साइन इन करने के लिए आप इस लिंक का यूज करोगे, तो जैसे हम इस लिंक का यूज करेंगे तो आपके लिए इस रजिस्टर्ड फॉर्म पे आ जाएगा। अब इसके लिए आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड वगैरह आपको सब कुछ क्रिएट करके और सब रजिस्टर्ड इसको कर लेना है। देन उसके बाद में आपको करना है, यहाँ से क्या होगा, लॉगिन जो आपने ईमेल आईडी और वगैरह बनाया है वो आपको आईडी यहाँ पर डाल देनी होगी। अब इससे होगा क्या, आपका जो भी डाटा रहेगा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, जो आपने कंपनी ओपन आपने कर रखी है, उस कंपनी का डाटा आपकी क्रेड फ्लो एप्लीकेशन के अंदर सिंक्रोनाइज हो जाएगा। बस उसके लिए शर्त यही है भी आपका जो कंपनी का डाटा आप क्रेड फ्लो के एप्लीकेशन पर देखना चाहते हो वो कंपनी आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ओपन होनी चाहिए, और दूसरा आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, तो ही आप इस एप्लीकेशन का प्रॉपर सही तरीके से यूज कर पाओगे। किस तरीके से यूज करना वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो भी हमने ट्रांजेक्शन कर रखी है उसको एक बार ओपन करके देखते हैं। जैसे कि हम डे बुक पे चलते हैं और ऐप टू करके हम टोटल एंट्रीज को ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हो हमारे पास टोटल परचेज, सेल, पेमेंट और रिसिप्ट चार वाउचर हैं। और अब हम चलते हैं इसको बार थोड़ा सा अलग एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया तो टोटल हमारी जो परचेज है वो है 1,09,065 रुपये की, और जो टोटल हमारी सेल है वो है 73,131 रुपये की, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ जो टोटल हमारी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो हमारे सैंडी डेप्टर्स हैं जो कलेक्शन हमें करनी है उसकी अमाउंट है, ये हमारे पास कैश इन हैंड है, और इसके साथ साथ ये हमारी लायबिलिटीज भी है क्योंकि ये हमारे सैलरी क्रेडिटर हैं। तो अब इसके डाटा को इस क्रेडिट फ्लो एप्लीकेशन के थ्रू हम किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ से हम कंपनी को कनेक्ट करेंगे जो हमारे पास कंपनी में टैली सॉफ्टवेयर में ओपन है। आप देख सकते हो जो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो कंपनी ओपन है उसका नाम है श्रीराम एंड कंपनी का डाटा, क्योंकि दोस्तों ये मैंने टैली का डाटा आपके साथ इसके लिए ओपन किया हुआ ताकि आप प्रॉपर सही तरीके से समझ सको भी टैली का डाटा इस क्रेडिट फ्लो के एप्लीकेशन में दिखता किस टाइप से है। तो इसके लिए हम यहाँ से जो कंपनी आपकी जो जो कंपनी सिंक्रोनाइज हो चुकी है उसकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आती रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे श्रीराम एंड कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो आपकी कंपनी का जो डाटा है ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये सिंक्रोनाइज करता रहता है।
तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की। तो सबसे पहले जैसे ही हम इस क्रेडफ्लो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बेसिक कुछ बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो भी यहाँ से जो हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग है 45 डेज की, तो वो है 62,380 रुपये की। यानी कि अभी तक हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग मार्केट से हमने पैसा इतना कलेक्ट करना है। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें टेली सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 62,380 रुपये, वहाँ पर आपको ये राउंड फिगर के अंदर अमाउंट है जो दिखाता रहेगा। देन उसके बाद के अंदर यहाँ से काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन अपने पास आ जाते हैं। जैसे हम कलेक्ट पे क्लिक किया तो कलेक्ट के बाद ये टोटल लोडिंग होकर टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग आपको दिखा देगा। और देन उसके बाद आपको ये डाटा जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट भी आपके सामने यहाँ पर दिखा देगा भी टोटल उनका आवर ड्यू कितना चल रहा है, लास्ट पेमेंट उनकी कब की आई हुई है, और उसके बाद के अंदर ये सारा ओल्ड सेट ड्यू यानी कि कितने दिनों से उनकी पेमेंट अभी ये ड्यू चल रही है। तो उसके बाद के अंदर हमें जो एक्शन लेना होगा वो एक्शन की डिटेल हम आगे यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमें कस्टमर को कोई रिमाइंडर सेट करना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने ये ऑटो रिमाइंडर का। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये आ जाएगा कस्टमर का नाम, और उसके बाद में पेमेंट टर्म्स कितने दिनों के टर्म्स आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद में जो भी इसका अकाउंट्स मैनेजर का नेम, जैसा कि मैंने यहाँ पर मोहन सुथार का नाम दिया हुआ है, और ऑटोमेटेड रिमाइंडर को हम ओके करेंगे। और उसके बाद में जो रिमाइंडर का जो तरीका है वो दो तरीके से हम इनको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रिक्वेंसी रिमाइंडर भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको डेट वाइज रिमाइंडर कर सकते हैं। यानी कि डेट वाइज का मतलब प्रॉपर आपका उसी डेट को ही रिमाइंडर जाएगा, और फ्रिक्वेंसी का मतलब हो गया अभी आप कितने दिनों तक छोड़ के हरे, जैसे कि मतलब आप उनको हर 2 या 3 दिन बाद उनको याद करवाते रहना है, तो उस कंडीशन में इनको फ्रिक्वेंसी रिमाइंडर के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। तो कितने दिनों दिन उसके बाद ऑटोमेटिक मैसेज चलता जाए, तो यहाँ से उसको हम डेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से डिटेल है। उसके बाद में क्या कुछ हमें इनको डिटेल में बताना है, कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद में टोटल ये कस्टमर्स आपके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और टेली की अगर हम बात करें तो ये 4 कस्टमर हमारे आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, और ये इनकी अमाउंट रहने वाली है। जैसा कि 22,935 रुपये कमल सिंह की अमाउंट है, तो कमल सिंह के अगर अमाउंट हम जाएँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी राउंड फिगर के अंदर आपको 22,936 रुपये, क्योंकि यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ये आ रहा है हमारे पास में 52,935 रुपये और 90 पैसे, यानी कि राउंड फिगर के 936 रुपये की आपको आवर ड्यू ये क्रेडिट फ्लो जो ऐप है वो आपको यहाँ से दिखाता रहेगा। तो इसके बाद में डैशबोर्ड पर हम बात करें तो डैशबोर्ड के अंदर ये टोटल सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग हमें दिखाएगा, देन उसके बाद के अंदर ये आउटस्टैंडिंग हमारी ग्राफ वाइज हमें दिखाएगा। और ग्राफ दिखाने का तरीका आप लास्ट 12 मंथ देख सकते हो, 6 मंथ का देख सकते हो। तो जैसा हम एक बार 6 मंथ पर चलते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं मार्च पे, तो मार्च पे ये कह रहा है भी आपकी आउटस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो थी। उसके बाद अप्रैल मंथ आ गया, और जैसे हम अप्रैल मंथ पे जाएंगे तो अप्रैल मंथ का डाटा आपको ये चीज़ दिखाएगा भी आपकी आउटस्टैंडिंग अप्रैल मंथ के अंदर 72,180 रुपये की आउटस्टैंडिंग थी। इसी तरीके से मई की भी आउटस्टैंडिंग आपको दिखाएगा भी 65,380 रुपये की आपकी मई मंथ की आउटस्टैंडिंग है। इसी तरीके से जून मंथ की, तो जून मंथ में अभी तक आपकी 62,380 रुपये की आउटस्टैंडिंग है जो कि हमें यहाँ पर दिखा रहा है आवर ड्यू के ऊपर। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको दिखाता रहेगा भी आपकी जो एवरेज है कलेक्शन आपकी दिस मंथ की, यानी कि 29 दिनों से आपकी रिकवरी है जो होती है। देन उसके बाद के अंदर ये आपका सेल्स का ट्रेंड आ जाएगा भी आपकी कौन से मंथ के अंदर कितने रुपीज़ की सेल हुई थी। ये टोटल आपका सेल का डाटा आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा, लास्ट 12 मंथ का देख सकते हो आप, फर्स्ट 6 मंथ का भी आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये कलेक्शन की डिटेल भी आपके सामने यहाँ पर आपको दिखेगी। फिर जैसे हम इस कलेक्शन डिटेल पे हम जाएंगे तो कलेक्शन डिटेल के अंदर आपके पास ये डिटेल आ जाएगी सारी भी आपने कौन से मंथ के अंदर कितने रुपए की कलेक्शन करी है। अप्रैल मंथ में आपकी ये कलेक्शन डाटा, मई मंथ में ये डाटा, और जून मंथ के अंदर आपने इतना कलेक्शन जो पेमेंट किया हुआ है। इससे क्या होता है भी आपका बिजनेस का आइडिया प्रॉपर आपको लगता रहता है भी हमारी जो बिजनेस की जो रिकवरी है वो कितनी फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है, कौन से मंथ के अंदर फास्ट काम हुआ, कौन से मंथ के अंदर हमारा काम है जो स्लो हुआ। तो ये सारा हमें ओपनली डैशबोर्ड के थ्रू पता लगता रहता है। देन उसके बाद में हम कलेक्ट की बात करें तो कलेक्ट का ऑप्शन हमने जैसे कि बात करी, ये लोडिंग आपका सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिक होता रहेगा और ये आवर ड्यू की अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। और उसके बाद में ये कुछ एड टास्क, अगर आपने कुछ इसके साथ टास्क के अंदर आपकी बात हुई है, जैसा कि हमने कस्टमर को कोई कॉल किया है और कॉल करने के बाद कस्टमर ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या वो एड टास्क की डिटेल हम यहाँ पर डाल सकते हैं।
भी उसके बाद के अंदर आपकी कितनी आपने बार इनको कॉल कर चुके हो, उसके अंदर दौरान आपको क्या रिस्पॉन्स मिला हुआ है, आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग वगैरह क्या कुछ है, तो ये सारी आपकी डिटेल आपको दिखाएगा। और ये आपकी अगर हम एजिंग वाइज समरी की बात करें तो ये आपकी एजिंग वाइज समरी रहेगी। एजिंग वाइज समरी इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे आपकी 1 से 15 दिनों तक का कितना ओवरड्यू रहता है, 16 से लेकर 30 दिनों का क्या ओवरड्यू रहता है, 31 से 45 दिनों का क्या रहता है, और 45 दिनों के बाद का सबसे ज़्यादा ओवरड्यू क्या रहता है, तो ये आपका डाटा आपको एजिंग वाइज भी दिखा देगा और यहाँ पर आपके टोटल डिटेल दिखाएगा। और डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर टोटल डेज दिखा देगा भी 69 से ये इनकी जो ओल्ड एसेट को जो ड्यू चल रही है 84 डेज की है, 83 की है, 83 की है, इनकी इतनी दोनों की इनकी पेमेंट है जो बकाया चल रही है। इसी तरीके से आप इनको व्हाट्सएप के थ्रू इनको आप मैसेज कर सकते हो, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर इनका आपके पास आ, इसी तरीके से आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एसएमएस के थ्रू भी आप इनको रिमाइंडर है जो सेंड इनका कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की रिसिप्ट की। तो अब आ जाएगी भी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट फ्लो ऑनलाइन लिंक, यानी कि अब हमने एक जो लिंक है वो इसके अंदर क्रिएट हो जाता है, जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो जो लिंक है वो अपने उस कस्टमर के पास चला जाएगा। और पेमेंट सेटिंग हम जैसे की बात हम बात करते हैं तो आप पेमेंट सेटिंग में जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट सेटिंग आ जाएगी, अब किसके थ्रू आप कर सकते हो, पेमेंट रिसीव्ड मेथड में आ जाएंगे आप, तो जैसे इस मेथड पे करोगे तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, वर्चुअल आपको कार्ड के पेमेंट के थ्रू, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि पेमेंट रिसीव का मेथड आपको। तो आपका लिंक आपने जनरेट कर दिया, आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट आपने क्रेडिट फ्लो के साथ अगर अटैच कर दिया हो तो सारा का सारा डाटा आपका क्रेडिट फ्लो के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपकी जो कलेक्शन है वो आपकी ऑटोमेटिकली बैंक के अंदर चलती रहेगी। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब उसके अंदर आ जाएगा जैसे कि डेप्टर समरीज। अब डेप्टर समरीज के अंदर हमारे पास ये टोटल आपकी डिटेल आ जाएगी भी कलेक्शन आपकी कितनी कितनी हुई है और जो कलेक्शन का जो है ट्रेड वो कब तक चल रहे हैं, एवरेज चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, वो सारी की डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। नेक्स्ट बात करें सेल्स मैनेजर रिपोर्ट की। तो जैसा कि अभी तक तो हमारे पास केवल एक ही सेल्स मैनेजर है, अगर आपके पास अलग अलग सेल्स मैनेजर हैं तो आप उनका यहाँ पर प्रॉपर टारगेट भी सेट कर सकते हो भी कौन से सेल्स मैनेजर ने सबसे ज़्यादा टारगेट को अचीव किया है, टारगेट क्या था, टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ, वो भी सारा डाटा आपको यहाँ पर प्रॉपर शो करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बाद हम करते हैं प्रोजेक्ट कलेक्शन भी। प्रोजेक्टेड कलेक्शन के अंदर भी अपकमिंग के अंदर प्रोजेक्शन के अंदर हमने क्या कुछ दिया हुआ है, अर्लियर प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक क्या हुआ है, तो अभी तक ये सारा हमारा नो डाटा आ रहा है, यानी कि अभी तक हमने ऐसा कुछ वर्किंग इसके अंदर करी नहीं है। देन अगला पॉइंट आ जाता है एक्शन का। अब एक्शन के अंदर आ जाता है मेन टास्क आपका भी, आपने टास्क के अंदर क्या ओपन टास्क जैसे अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, तो अगर हम करें एड न्यू टास्क तो एड न्यू टास्क के अंदर अपने पास ऑप्शन आ जाएगा भी आपने किसके साथ टास्क है जो एड करना है। अब करने का जो तरीका है आप किस तरीके से करोगे, मतलब यानी कि कौन कॉल आपने कितनी बार कर दी, कितने कुछ है एड टास्क का जो आपने डिटेल्स है वो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में वो टास्क आपका क्लोज हुआ कि नहीं हुआ उसकी सारी डिटेल आएगी। अपकमिंग टास्क यानी कि अगर आपने कोई फ्यूचर के अंदर आपने कोई रिमाइंडर लगा के रखा हुआ है भी इतनी तारीख को इस कस्टमर से हमें बात करनी है, तो वो डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद में ये इंसेंटिव्स के ऑप्शन आ जाते हैं भी, इंसेंटिव्स की मैनेजमेंट। तो यानी कि अगर हम किसी कस्टमर को मान लीजिए कोई इंसेंटिव के थ्रू कोई ऐसा कस्टमर है जो इसने एक बार हमारे से प्रोडक्ट परचेज किया है, अगर उस कस्टमर को अगर वापस हम जोड़ना चाहें कोई ऑफर दे के, तो हम यहाँ पर उसका इंसेंटिव स्कीम भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको और फुल ज़्यादा डिटेल्स के साथ पर्सनली डिटेल चाहिए आप इसका डेमो यूज़ करके देखिए। अगर आपको इसका प्रॉपर डेमो चाहिए तो जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर आपके सामने आ रहे हैं आप इनसे कॉल करके आप इसकी पूरी ओवरव्यू ले सकते हैं, पूरा डाटा आप इनसे समझ सकते हैं। वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको और थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आई तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी को डिटेल बताने के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास पेमेंट कलेक्शन का, यानी कि अभी वो तो था हमारा रिसीविंग का, अब पेमेंट देने की बात आ गई, यानी कि जो हमारे सेंडरी क्रेडिटर हैं, ये जो क्रेडिटर है हमारे पास अमाउंट इनकी आ रही है 82,847.60 रुपये की, और ये तीन हमारे क्रेडिटर हैं। अब इन क्रेडिटर को अगर हमें पेमेंट करनी हो तो ये पेमेंट की डिटेल्स हैं, इनकी पेबल्स अमाउंट इतनी है, अगर हम पे नाउ करेंगे तो हमारी ये जो बालाजी ट्रेडर्स का कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में जो हमने इसका कलेक्शन हमने किया हुआ है बैंक अकाउंट जो अटैच किया हुआ है उनके थ्रू इन सबको हम पेमेंट जो कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पार्टी की बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह सब कुछ हमें एक बार सेट करनी पड़ती है, तो ये हम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इनको पेमेंट जो ऑनलाइन कर सकते हैं।
देन उसके बाद बात आती है कस्टमर्स की, तो ये सारी कस्टमर्स की डिटेल हम ऑलरेडी देख सकते हैं हम इनको लेजर। अगर इनका स्टेटमेंट अगर हम देखना चाहें तो स्टेटमेंट वगैरह हम पूरी डिटेल इनके साथ देख सकते हैं, आवर ड्यूज कितनी दिनों की चल रही है सब कुछ। यानी कि अगर इनको हम सेंड बल्क इनवॉइस अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक एक इनवॉइस को हम यहाँ से मतलब इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पेमेंट रिसीव्ड की डिटेल भी कब कब आई हुई है, ये टोटल इनके बिल्स की डिटेल रहेंगे। उसके बाद में पार्टीज के लेजर रहेंगे, जैसा कि हम किसी पार्टी का अगर कोई स्टेटमेंट अगर हमें देखना तो इस तरीके से स्टेटमेंट होगा। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके या व्हाट्सएप पे एसएमएस के थ्रू इनको पार्टी को जो सेंड कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी का नाम रहेगा, हमारी ईमेल आईडी रहने वाली है, और उसके बाद में ये कलेक्शन डाटा भी स्टेटमेंट ये कभी 1/4/2022 से लेके 25 जून 2022 तक की ये पूरी स्टेटमेंट जैसा कि हमारे सॉफ्टवेयर में से निकलता है उसी तरीके से ये टोटल डिटेल स्टेटमेंट है जो कलेक्ट हो जाता है। उसी के बाद हम करें इनवॉइस की, तो ये टोटल इनवॉइस उनके सभी के आ जाएंगे। जैसा कि एक को हमने इंटरप्रेस किया और ये हमारी जो इनवॉइस जो बनती है वो इस तरीके से टैक्स इनवॉइस इस क्रेडिटप्लू एप्लीकेशन के थ्रू बन जाएगी। जैसा कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसका जो जीएसटी अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट यानी कि टोटल एज ए इनवॉइस की फॉर्मेट की तरह ही बन जाते हैं। तो इसको भी हम एज ए पीडीएफ के अंदर डाउनलोड इसको कर सकते हैं और ये कस्टमर को हम इसको इनवॉइस भी सेंड यहाँ से कर सकते हैं। टोटल कस्टमर की डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, जिस कस्टमर पे आप क्लिक करोगे तो उसका इनवॉइस आपके सामने आ जाएगा, इनवॉइस नंबर वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी तक तो हमारे पास जो भी डिटेल हमने टेली सॉफ्टवेयर के थ्रू इसके अंदर आई है वो डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद में क्रेडिट नोट, उसके बाद में ये रिसिप्ट वगैरह सारी डिटेल्स है, जो बिल्स वगैरह आपकी पेमेंट्स डन हो चुकी है नहीं हो चुकी, तो ये सारी की सारी ए टू जेड हमारा जो कलेक्शन का जो डाटा है वो हमें इस क्रेडिट फ्लो एप्लीकेशन के थ्रू पूरा डाटा एनालिसिस होकर डैशबोर्ड के थ्रू आ जाता है। इससे क्या होता है कि हम हमारी जो बिजनेस की जो नेक्स्ट आने वाली प्लानिंग है उसको हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस डैशबोर्ड के जो हमारा डाटा एनालिसिस हुआ है उसके थ्रू हम बिजनेस की प्लानिंग है जो कर सकते हैं भी। हमें जो ओवरड्यू की पेमेंट है वो कितनी, हमें थोड़ा सा जल्दी रिकवर करना है, जो हमारी आउटस्टैंडिंग रहती है वो सबसे ज़्यादा पेंडिंग रहती है, कौन से मैनेजर्स ने कौन सा टारगेट अचीव किया नहीं किया, कौन से टारगेट की कौन से मतलब मैनेजर की जो पेमेंट ड्यू है सबसे ज़्यादा ड्यू रहती है। तो इससे क्या होता है सारा का सारा डाटा आपके सामने एनालिसिस होता रहता है। तो अगर आपको ये डेमो चाहिए तो ये जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके और आप अपना डेमो के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जैसे रजिस्टर्ड करोगे तो आपके सामने वो जो कंपनी है वो कंपनी आपको आपके पास इस क्रेडफ्लो का जो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। वो आप जैसे ही इस एप्लीकेशन पर आओगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिंक आ जाएगा, लिंक पर हम क्लिक करोगे तो आपके सामने ये क्रेडफ्लो का एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ये जो कंपनी है श्रीराम एंड कंपनी वो यहाँ पर कनेक्टेड दिखाया हुआ है, और ये MS Enterprises है ये डिसकनेक्टेड है। तो ये आपका कनेक्ट होना जरूरी है और ये कनेक्ट उसी कंपनी को करेगा जो कंपनी आपके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ओपन है। तो ये हमें ध्यान रखना, अगर टेली सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है तो ये डाटा जो सिंक्रोनाइज प्रॉपर हो नहीं पाएगा। और जैसे अगर हम कोई टेली सॉफ्टवेयर में डाटा की कोई एंट्री करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, जैसा कि हमने यहाँ पर टाइम इसका सेट किया हुआ है सेटिंग पे जाके, भी ऑटोमेटिक जो सिंक्रोनाइज है वो एवरी 15 मिनट्स के बाद है जो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने जस्ट एंट्री करी है तो जस्ट आपको इस क्रेडफ्लो के एप्लीकेशन में नहीं दिखाएगा, आप चाहो तो यहाँ से इसका टाइमिंग की सेटिंग भी अलग से कर सकते हो। वैसे रहेगा ये ऑटो सिंक्रोनाइज में, आपको बारी बारी डाटा को रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर आपको और ज़्यादा एड कंपनी करनी है तो एड कंपनी पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद में, अभी तो नो कंपनी अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि कंपनी के अंदर एक ही कंपनी अवेलेबल है और वही अटैच है। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर को बंद करके दूसरी कंपनी करेंगे तो वो कंपनी का डाटा हमारे पास यहाँ पर शो करेगा और उसके बाद में इस कंपनी को हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जैसे एक बार अटैच करोगे तो ये डाटा, उस कंपनी का डाटा आपको इस लिस्ट के अंदर एड हो जाएगा और उसके बाद में आप इस कंपनी का भी सिंक्रोनाइज आप अपने इस क्रेडफ्लो के डैशबोर्ड पे सारा रिकॉर्ड देख सकते हो। तो दोस्तों और ज़्यादा डिटेल के लिए आपके जो ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डेमो आप ले सकते हो एनी डेस्क के थ्रू और इस सॉफ्टवेयर को आप डेमो के लिए यूज करके भी दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।